हाय गाइस, तो आज हम आए वीवो के टेक डे पे एंड आज हम देखते हैं क्या क्या वीवो के पास में है दिखाने को। तो आओ वीडियो चालू करते हैं। अंदर आते ही हमें पहले मिलता है हेलो वर्ल्ड, यू आर हियर वीवो टेक डे रिसेप्शन डेस्क, टेक बर्नर भैया का टीम और थोड़े से यूट्यूबर्स। ये भी रिसेप्शन एरिया के बाद में हम लोगों को दिखता है पहले वीवो टेक डे, मतलब एंट्री रूम हमारा, एंड उसके बाद जाकर के हमें दिखते हैं थोड़ी RGB लाइट्स, मतलब RGB तो नहीं है बट भी है यहाँ पे। अभी हम पहले जियो 5G क्लाउड को टेस्ट करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। दैट्स प्रसाद। राइट नाउ वी आर विद प्रसाद, एंड सो व्हाट आर योर व्यूज? वेरी नाइस इवेंट एंड आई लर्न सो मेनी थिंग्स फ्रॉम दिस इवेंट। योर नेम इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस। रियांस व्रेयास व्रेयास, या चैनल नेम मीक नेसर। मीक नेसर नेसर, या nice to meet Priya. See ya from Meek Nesser. Yeah. And all the best bro. Thank you. For your future. So, जिन लोगों ने कभी अपना फोन नहीं खोला है उनको शायद से ये चीज़ें कभी देखी नहीं होगी। ये हमारा मेन मदर बोर्ड होता है ये हमारे फोन्स में, जो कि उसको अलाउ करता है जो वो करता है उसके लिए। एंड बिकॉज अब हमारे फ़ोन इतने ज़्यादा पावरफुल हो चुके हैं तो इनमें कूलिंग की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, एंड कूलिंग के लिए जो चीज़ें यूज़ होती है वो ये दोनों हैं। ये है वो वेपर चेंबर जिसके बारे में सब लोग बात करते रहते हैं बट काफ़ी कम लोगों ने देखा होता है। ये आपके मदरबोर्ड के ऊपर लगता है, समथिंग लाइक दिस, जहाँ से ये गर्म होता है, लाइक यहाँ से ये गर्म होता है जो उसे सर्कुलेट करके यहाँ लेके जाता है, यहाँ से कूल करता है एंड वो वापस सर्कुलेट होकर यहाँ आ जाता है। उसके अलावा हमारे पास में ग्रेफाइन कोटिंग होती है जो इसके ऊपर लगती है, एंड ये पूरा पैर इसके ऊपर लगता है। ये वाली शीट यूजुअली हमारी स्क्रीन के नीचे होती है क्योंकि हमारी स्क्रीन सबसे ज़्यादा बड़ा पार्ट होता है जहाँ पे हम लोग कूलिंग मिल सकती है। ये थोड़ा स्टिकी भी होता है। इस शीट के बारे में एक और इंटरेस्टिंग चीज़, इसका जो साइज़ है ये 46,000 स्क्वायर मिलीमीटर्स का है, एंड मोर ओवर ये जो ग्रेफाइन शीट है जो थोड़ी चिपकू सी है, इसमें 27 लेयर्स है जो कि बहुत ज़्यादा पतला है, एंड इसमें 27 लेयर्स मेरे को नहीं पता कैसे हो सकती। The app that you're seeing right now behind me is Jio Games Cloud, one of the first services, I mean cloud gaming services produced by Jio. It is homemade by Jio itself, and all the data centers and backend infrastructure is Jio's own build. So what you can see here now, these are all just not just normal games. We have integrated a lot of games from all genres, be it, you know, hyper casual games to the AAA titles. And as you can see, all of them are free to play right now here. You don't have to pay for the games. You don't even have to install the games on your device. Every game is available on the platform. You just have to click and play. These games are actually not being played on the device. It is being played on our backend infrastructure. And what you are seeing through 5G, the game is being streamed to you on your device. I mean, all the hardware requirements are, you know, not even needed. I mean, you don't even need a high-end phone. You don't even need storage space. You don't even have to download the game. Everything is done on the Jio Cloud servers. So, यहाँ पे हम Jio 5G के सेट पे भी हैं। तो यहाँ पे हमें Jio 5G का, जैसे आप देख रहे हैं 5G, तो यहाँ पे हमें उसका सैंपल मिलने वाला है। तो ये उसका स्पीड टेस्ट करेंगे अभी हम। ये ऑलरेडी 700, 800 Mbps, 900 Mbps तक जा रहा है, एंड दिस इज़ 1 GB per second। 1 GB per second इज़ एक्चुअली लाइक कि आप एक मूवी को ऑलमोस्ट 2 सेकंड के अंदर डाउनलोड कर सकते हो। सो ये जो 1.2 GBps की स्पीड अभी हमारी आ रही है नेट की, इससे 5G की वजह से अवेलेबल है, एंड ये जियो 5G का सैंपल है। जियो 5G क्लाउड को टेस्ट करने के बाद में अब नेक्स्ट एरिया में आते हैं हम, ज़ाइस एरिया। यहाँ पे हम ज़ाइस के सारे फीचर्स टेस्ट करेंगे। यहाँ पे हमें ज़ाइस की कोटिंग के बारे में पता चल रहा है जो X80 सीरीज़ में है एंड DSLRs में भी आती है। सो इनमें ऊपर वालों में ज़ाइस की कोटिंग हुई भी है फ़ोन में एंड DSLR में, यहाँ पे ज़ाइस की कोटिंग नहीं हुई हुई है एंड DSLR में भी नहीं हुई हुई है। दोनों फ़ोन्स यहाँ हैं, दोनों मेन डिफरेंस हमें पता चलता है अगर हम इन पर लाइट मारते हैं। अगर मैं लाइट ऑन करता हूँ तो आपको दिख रहा है नीचे वाले कैमराज में DSLR में हमें एक लेंस फ्लेयर मिल रही है जो कि हमें कैमरा में भी मिल रही है फ़ोन कैमरा में, जो कि इतनी स्ट्रांग नहीं है DSLR से कंपेयर्ड बट है वहाँ पर। बट ज़ाइस की कोटिंग के फ़ोन के साथ में हमें ये फ्लेयर बिल्कुल भी नहीं मिलती है, चाहे मैं लाइट को कहीं भी मूव कर लूँ। सेम DSLR के साथ भी होता है, कहीं पे भी मैं मूव करूँ लाइट को
हमें कोई फ्लेयर नहीं मिल रहा है जो कि हम नीचे कंपेरेटिवली देख सकते हैं। सो यहाँ पे भी हम चेकआउट कर रहे हैं ज़ाइस का कैमरा से क्या इफेक्ट होता है। सो दिस इज बिफोर एंड ऊपसी एंड दिस इज विद ज़ाइस विच इज़ वन ऑफ द मेजर रीज़न कि आपको ये वीडियो इतनी अच्छी लग रही है बिकॉज मैं खुद X80 Pro से शूट कर रहा हूँ। यहाँ पे ये दोनों इरिटेट कर रहे हैं मेरे को, दैट इज़ मेगा दैट इज़ शिबू। दोनों को सब्सक्राइब कर सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। दिस इज ज़ाइस पोर्ट्रेट स्टाइल्स। सो यहाँ पे भी हमारा एक X80 Pro यूज़ किया जा रहा है। यहाँ पे हम बेसिकली इसका बूके फ्लेयर चेक कर रहे हैं लाइक दिस। Here we have Mr. Rajiv Makni. So, you know what happens is aise bahut sare global events hote hain where you know you go in there and you're talking about techs or CES in Las Vegas, there's MWC in Barcelona, there's IFA in Berlin. And every time I go to an event like that I always think India mein kyun nahi hota aisa, why can no brand or various brands come up with something like this? And then jab Vivo ne yahan pe bola we are having Vivo Tech Day, meri expectations jo hai na bahut low thi. Very very low because I was ready to be very very underwhelmed. क्या होता है normally in these brand events, बहुत ज़्यादा talking होती है, keynotes, speeches, and all of these things, and then you know when your mind is ready to explode कि यार कितना bore किया है, then they show one or two small little demo, एक छोटा सा device दिखा देंगे. So I think Vivo understood that this is where the problem lies. So and I came in out here, if you've seen the way they've done up the place, the kind of demonstrations they've had, how little the talking was, thank God, and how much more was the product part of it. So I completely enjoyed it. I'm hoping that Vivo now makes it an annual event, bana le, semi-annual bana le, monthly to mushkil hoga, but you know, maybe they could do an annual or a semi-annual event. But I think they've done a great job. I'm very impressed with Vivo. So well done Vivo. And one quick little thing to all the other competition, Vivo ke jitne aur competition hai, aap log bhi kuch aisa karo na. Here we have some influencers who are from the regional area, that's Tamil. Next REM is Andheri Gufa mein, jahan pe hum jayenge. Main kho gaya, ek second. So ye kamra pura dark hai, jaise ki aap dekh sakte hain. वहाँ पे हमारे पास दो फ़ोन्स लगे गए। मेरा फ़ोन एक्चुअली में अभी कुछ कैप्चर नहीं कर पा रहा बिकॉज़ मैंने इसको उस मोड पे नहीं डाला है। अगर मैं अपने फ़ोन की सारी कैपेबिलिटीज़ को ऑन कर दूँ, मतलब अपनी नॉर्मल डे लाइट शूटिंग की कैपेबिलिटीज़ को हटा करके अगर मैं ये सेटिंग्स ऑन करूँ तो ये पूरा रूम जो भी जितना डार्क दिख रहा था जहाँ पर कुछ भी नहीं था अब वो पूरा चमक रहा है। नाइस। ये है वो चिप जो ये सब कुछ पॉसिबल कर पाती है। यप, ये मेरे उंगली से भी बहुत ज़्यादा छोटी है, जैसे वीवो की ब्रांडिंग हमें देख रही है। एंड ये V1+ चिप है, बड़े बड़े काम करते हैं, छोटी सी चिप लेकिन काम बड़े बड़े। नेक्स्ट आता है हमारा टेक डे का मेन एरिया। इस सेक्शन में हम देख रहे हैं कैसे ज़ाइस के जो कैमराज है वो थोड़े ज़्यादा एडवांस रहते हैं। तो बेसिकली इसमें हमें दिखाया जा रहा है कि इसमें गिम्बल टाइप मॉड्यूल एक लगा हुआ है। सो ये हमारा फर्स्ट जनरेशन का कैमरा मॉड्यूल है जिसमें गिम्बल स्टेबलाइजेशन नहीं था। ये है सेकेंड जनरेशन का कैमरा मॉड्यूल, इसमें मॉड्यूल भी बड़ा हो गया है कैमरा का, एंड मोर ओवर इसमें जो OIS है वो भी थोड़ा सा बेटर हो गया है। एंड ये है हमारा फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन का लेंस जो कि सबसे ज़्यादा अभी छोटा हो चुका है। जो हमारा मेजर फॉर्म फैक्टर है वो अभी भी थोड़ा सा बड़ा है बट जो कैमरा मॉड्यूल है वो काफ़ी छोटा हो चुका है। इसमें हमें गिम्बल स्टेबलाइजेशन भी मिलता है। तो यहाँ पे हम 360 हॉरिजॉन्टल लेवल स्टेबलाइजेशन के ऊपर में टेस्ट ले रहे हैं। दोनों के दोनों X80 सीरीज़ के फ़ोन्स हैं, इसमें हमने स्टेबलाइजेशन ऑन रखी है एंड इसमें हमने ऑफ रखी है। दोनों की स्क्रीन्स हमारी वहाँ पे विजिबल है एंड अब हम देखेंगे कि ये क्या कमाल होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे पूरा गोल घूम रहे हैं फ़ोन्स
यहाँ पे हमारा अभी भी स्टेबल है एंड वो वाला स्क्रीन बिल्कुल पागल हो गया। यहाँ पे है बाकी, यहाँ पे पहले शिबु दिखती है हमें, फिर उसके अलावा हमें यहाँ पे हम लोगों को इनोवेशन दिखते हैं, तो आओ इसके बारे में बात करते हैं। सो हियर वी ऑल्सो हैव मिस्टर ट्रैक एंड टेक अरुण, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? टेक डे है फॉर अ टेक एंथुजियास्ट, दिस इज लाइक कमिंग टू डिज्नीलैंड ऑब्वियसली। हियर वी आर गोइंग टू टेक अ लुक एट द डिफरेंट फोन्स विच आर अ कॉन्सेप्ट फोन्स विच आर नॉट इन इंडिया राइट नाउ, सो जस्ट लाइक द टेक्नोलॉजी यूज्ड इन द V25 प्रो। सो बेसिकली टू अचीव दिस रिजल्ट हमारे पास डिफरेंट लेयर्स होती हैं। सबसे नीचे वाली जो लेयर है इसके अंदर एक प्रोटेक्शन लेयर होती है जो हमारे इंटरनल पार्ट्स को और बैटरी को प्रोटेक्ट कर रही होती है। उसके ऊपर ये कलर चेंजिंग लेयर है अलॉन्ग विद यूवी लेयर। इसके ऊपर हम लगाते हैं एक कलर ट्रैवल इफेक्ट लेयर जिससे जो कलर है वो सिंगल नहीं रहता, उसको अलग अलग डायरेक्शन से देख लें तो वो कलर बदल जाता है। इसके ऊपर आता है ग्लास लेयर, इसका नाम है AG फ्लोराइड ग्लास यूज करते हैं। इससे ये फायदा होता है कि इसमें कोई भी फिंगरप्रिंट और कुछ भी नहीं आता और ये इसका जो टेक्सचर है वो काफ़ी स्मूथ होता है। और जब इन तीनों लेयर को आपस में मर्ज कर देते हैं विद स्पेशल टैग तो ये फाइनल रिजल्ट आता है। अब इसके ऊपर हम यूवी टॉर्च की हेल्प से देखेंगे कि कलर कैसे चेंज होता है। और जितना स्ट्रॉन्ग सोर्स ऑफ लाइट होगा उतना ज़्यादा ये कलर चेंज होगा और फिर ये रिवर्सेबल चेंज है और ये फिर वापस अपने नॉर्मल स्टेट में आ जाएगा जो कलर चेंज है। अगर इसको हम यूवी एक्सपोजर देते हैं, हमारे पास ये फ़ोन है ये वाइट है अभी, इसको यूवी लाइट में रखेंगे तो आप देख सकते हैं जो पहला सैम्पल था जिसमें हमारा पैटर्न था इसमें पैटर्न आपको दिखेगा। ये पहले वाइट कलर का था, अब इसमें ऑरेंज कलर आ गया, पर आप देख सकते हैं कस्टमाइज लोगो भी इसके अंदर आया हुआ है जो पहले विजिबल नहीं था। ये पहले वाइट था, अब इसमें मल्टी कलर ग्रेडियंट आप देख सकते हैं। इज इट पॉसिबल टू गेट समथिंग कस्टमाइज ऑन द बैक? फॉर ए सिंगल यूजर इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, उसको करना ईजी नहीं है क्योंकि प्रोसेस होता है लार्ज स्केल पे होता है, तो जितना भी मैकेनिज्म है वो सारे उस पर करते हैं, बट अभी हम कर सकते हैं कवर के थ्रू। ओके, ये इनोवेशन तो काफ़ी ज़्यादा ब्रिलियंट है, बट इसके अलावा मैं एक और इनोवेशन दिखाना चाहूँगा जो कि इनके पीछे छुपा हुआ शायद कोई शूट कर रहा है। यस, अब हम चलते हैं यहाँ पर द वीवो 4 जो कि अभी मार्केट में रिलीज नहीं हुआ है। दैट इज़ अ हिंज, वैसे कुछ गलत आइडियाज मत लेना। तो यहाँ पे हमारा फोल्ड है, तो हम वीवो का फोल्ड भी एक्सपीरियंस करने वाले एंड उसके हिंज के बारे में भी हम बात करेंगे अभी। तो ये अभी हमारे हाथ में है वीवो फोल्ड, पीछे ज़ाइस का कैमरा लगा हुआ है, ऑफ कोर्स द मेन थिंग इज बेजल लेस डिस्प्ले, बाहर भी हम शूट कर रहे हैं। एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, इसको अनफोल्ड करने के बाद में हमें एक ऑलमोस्ट सीमलेस या काफ़ी ज़्यादा सीमलेस सा स्क्रीन मिलता है बड़ा सा। वेल ये पकड़ने में तो वैसे पूरा एक टिपिकल फ़ोन ही लग रहा है, ज़्यादा हेफ्टी सा नहीं लग रहा है। एंड ऊपर से जो इनका फोल्ड है बहुत ही ज़्यादा क्लीन है, द बैक हैज़ अ लेदर फील टू इट, देर इज़ अ कैमरा इन द कवर स्क्रीन, देर आर 4 कैमराज ऑन द बैक, देर इज़ अ कैमरा व्हेन यू ओपन इट इन। या आई डिड, मैंने एक हाथ से खोल दिया, इन्हें देखने में एक्चुअली में काफ़ी सुंदर है एंड इसको किसी भी एंगल पे खोल कर रख सकते हो। तो ये है वो हिंज जो कि वीवो फोल्ड में लगा हुआ है, ये 6 एरोस्पेस ग्रेड मटेरियल से बना हुआ है जो कि इसको पतला एंड लाइट वेट रखता है। हेलो, क्या हाल है आप सबके, बताइए। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा वीवो डे? मज़ा आ गया, मतलब यहाँ क्या होता है फ़ोन वगैरह हम लोग टेस्ट करते रहते हैं ना, फ़ोन के अंदर क्या छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो पता लगता है बेसिकली। जैसे ज़ाइस लेंस देखा हमने, ये तो पता है फ़ोन के पीछे ज़ाइस लिख देते हैं, पर अंदर क्या मैकेनिज्म है वो पता लगता है। साथ में छोटी छोटी चीज़ें जैसे लेंस पे कोटिंग कैसे काम करता है एक्चुअल रियल लाइफ में, वो लाइट फ्लेयर वगैरह जो दिखाया ना, अच्छा लगता है। मतलब बींग अ टैक की भाई, मतलब बेस्ट रहता है। ये चीज़ें हमें अगली वीडियो एक्सप्लेन करने में ज़्यादा हेल्प करती है, ये चीज़ बढ़िया लगा मुझे। तो ये था हमारा वीओ का टेक डे एंड काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया इसमें। हम काफ़ी सारे यूट्यूबर से मिले एंड हमने काफ़ी ज़्यादा टेक के बारे में जाना, काफ़ी ज़्यादा इनोवेशन के बारे में जाना। थैंक यू टू वीवो एंड थैंक यू टू द यूट्यूबर्स जिन्होंने आकर के मेरे साथ में वीडियो बनाई। होपफुली मैं आप लोगों के साथ फिर से कभी कोलैब में वीडियो बना पाऊंगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। बाय बाय परफेक्ट भैया।